हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग एन अमेजिंग डे। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है वो है मैं वीट के जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं उनके उनसे अपनी आईब्रोज वैक्स करने वाली हूँ। मैंने ये कभी नहीं किया, तो वीडियो में चलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अच्छा होगा तो आप ज़रूर करना, नहीं होगा तो एक फेलियर होगा ये। बट वीडियो में जाने से पहले प्लीज़ 2-3 सेकंड निकाल के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आ सकें एंड इस वीडियो को लाइक करना। तो अब चलते हैं आगे वीडियो में। तो गाइज, एक और चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरी आईब्रोज बहुत वियर्ड हैं, घटिया हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं। तो अभी मैं उनको वैक्स करने वाली हूँ, तो मतलब आप लोग फिर से कमेंट मत करना मेरी आईब्रोज वियर्ड हैं, ये है वो है, मतलब हैं तो हैं यार, मतलब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैसी हैं मुझे बहुत पसंद है, तो प्लीज़ नो नेगेटिव कमेंट्स। हाँ, स्पेसिफिकली फेस के लिए स्ट्रिप चाहिए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको भी चेक कर सकते हो। स्ट्रिप था कुछ ऐसा था, मैंने इसके कुछ छोटे 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 पीसेस कट कर लिए ताकि मैं इजीली वैक्स कर पाऊँ। कुछ हेयर्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जैसे कि आप ये वाली देख सकते हो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उनका आप सीजर से ही कट कर लीजिए। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इस वाली आईब्रो के जो छोटे छोटे बाल थे मैंने उसको सीधा से ही कट कर लिया, तो हल्की सी शेप ऑलरेडी आ चुकी है। सो गाइस, स्ट्रिप मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही थी, मैंने उसको छोटा कर लिया है। इसको रिमूव करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छे से हेयर्स को रिमूव किया है। लेट्स डू इट वंस अगेन। ओके, इट्स गिविंग मी अ शेप। आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से हेयर्स निकल रहे हैं। पेन जो नॉर्मल थ्रेडिंग में पेन होता है उससे तो काफ़ी कम पेन है। दिस वन वॉज पेनफुल एंड इसका जो हल्का सा वैक्स है वो थोड़ा थोड़ा मेरा यहाँ रह गया है, तो मैं उसको वेट कॉटन से साफ करने वाली हूँ। I'm pretty impressed। बस बहुत हल्के छोटे छोटे बाल रह जाते हैं जिसको आपको प्लग करना पड़ेगा, लाइक आप देख सकते हो ये छोटा छोटा बाल जो रह गया है। सो यस गाइज, मैंने मेरी ये वाली आईब्रोज कर ली है, ये वाली अभी रह गई, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बस ये नीचे छोटे छोटे यहाँ पे जो बाल रहते हैं वो रह गए थे जिसको मैंने प्लकर से प्लग कर लिया है, बाकी बहुत अच्छे से हो गई है। गाइज, मैं आपको बता दूँ कि स्ट्रिप कितनी यूज़ हुई है। ये वाली होती है फुल, इसको मैंने कट किया था, इसमें से भी ये 2 स्ट्रिप बच गई हैं, आप देख सकते हो। मतलब आप मान लो कि मेरी 2 स्ट्रिप्स यूज़ हुई हैं, बस 2 बची हुई हैं एंड काफ़ी मतलब काफ़ी कम यूजेज हुआ है इसका। सिर्फ कुछ डेज वीडियो आप देख सकते हो आईब्रोज मेरी अच्छे से ग्रूम हो चुकी है। मतलब इफ मुझे कहीं जाना है और पार्लर कभी बंद है तो मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ। इफ आप चाहो तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। इस वाली आईब्रो में थोड़ा टाइम लगा था जस्ट बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था, इसमें बहुत कम टाइम लगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।